प्रश्न क्या है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म ज्ञात करें। तो कहाँ संख्या नहीं दिया गया है, यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, तो यहीं पे हमें क्या करना है, संख्या को भरना है। कैसे भरना है, पहला जैसे संख्या दिया गया है इसी के आधार पर हमें यहाँ पर भी भरना है। तो देखिए पहला कैसे दिया गया है, हुआ है पहले संख्या को हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे संख्या क्या है। तो संख्या देखेंगे 9 है और 27 है, 9 है और 27 है। तो आप ध्यान देंगे 9 क्या है आपका, 3 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, और 27 क्या है, किसी का किसका वर्ग है, 27 क्या है वर्ग नहीं है, ये 3 का, ये 9 3 का वर्ग है और ये 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का वर्ग है एक और एक 3 का क्यूब है। तो ऐसे आप संख्या देखेंगे कौन किसका वर्ग है, 5 किसी का वर्ग है नहीं, ये चीज़ नहीं है, लेकिन 5 का ये क्यूब है तो ये नहीं, पहला तो वर्ग नहीं ना, पहले इसमें क्या किया था 9 दिया था, तो 9 जो कि 3 का वर्ग था। 8 किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 15 किसी का वर्ग है नहीं है, ये भी नहीं होगा। 81 किसी का वर्ग है, तो 9 का वर्ग है, और ये 729 क्या है, 9 का क्यूब है। तो यानी कि ये सेम चीज़ मिल रहा है, जो चीज़ आपको ऊपर प्रश्न में मिल रहा था, ऊपर प्रश्न में क्या मिल रहा था आपको, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 9 है 3 का वर्ग है और ये 3 का क्यूब है, और इसमें आपका 81 क्या है, 9 का वर्ग है, 9 गुणे 9 करेंगे 81 हो जाएगा, और 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन इससे रिलेटेड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे।